भला कौन नहीं चाहता कामयाब होना। सफलता हर किसी में एक आत्मविश्वास और खुशी की भावना उत्पन्न करती है। आप भी तो चाहती होंगी कि जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, नाम कमाना। यहाँ हमने आपकी राशि के अनुसार आपकी कामयाबी को विश्लेषित करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आप बेहद परिश्रमी होते हैं, आप में नेतृत्व की क्षमता होती है, संघर्ष से नहीं घबराते, आप खुद पर दबाव डाल जाना पसंद नहीं करते और सहज मुक्त कार्य शैली पसंद करते हैं। ध्यान दें, कई बार स्पष्टवादी होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप छोटी छोटी बातों पर विवाद या झगड़ा मोल लेने से नहीं कतराते। आपके लिए क्षेत्र है सेना में सक्रिय भूमिका होगी। आप इंजीनियर, अच्छे ट्रेंडर, यूनियन नेता, स्वरोजगार वाले व्यवसायी, डेंटिस्ट, सर्जन, मैकेनिक क्षेत्र में कामयाब हासिल करेंगे। और लाभ है, व्यापार की सूझबूझ होने के बावजूद अपनी निर्णायक शक्ति को ज्यादा तुल देने के कारण लाभ कम मिलेगा, लेकिन कभी भी अधिक समय तक कर्जदार नहीं रहेंगे। अब वर्ष राशि की बारी आती है। आप काफी व्यवहारिक माने जाते हैं। आपके व्यक्तित्व की खास खूबियां विश्वसनीयता और जीवनवत्ता है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत सोच विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्यवान बनाए रखती है, साथ ही आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। स्वार्थी, लोभी, कामुक व संसारिक कार्यों में दक्ष होते हैं। ध्यान दें, अपने अड़ियल रवैये की वजह से आपको दूसरों की सहानुभूति नहीं मिल पाती। आप काम शुरू कराने में माहिर होते हैं, पर उन्हें आगे बढ़ाने में उतने कुशल नहीं होते। आपके लिए क्षेत्र लेखक, गायक, डांसर, फाइनेंसर, बैंकर, अधिकारी, मॉडल, आर्किटेक्ट के रूप में खुद को अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं। आपके लिए लाभदायक है, आप उत्कृष्ट व्यवसायी और फाइनेंसर होते हैं। आप लाभ बढ़ाने या व्यवसाय बढ़ाने के अवसर उन जगहों में देखते हैं जहां दूसरे नहीं देख पाते। मिथुन। मूल रूप से आपकी राशि दोहरे संभाव की है, इसलिए आपको समझना बेहद मुश्किल होता है। आप में आवश्यकताओं को समझने की क्षमता होती है। कल्पनाशील बने रहने में आपको बेहद खुशी होती है। जीवन के प्रति आपका उमंग, उत्साह और चाह औरों की प्रभावित करती है। सट्टा, जुआ आदि के शौकीन होते हैं। ध्यान दें, आप अक्सर अपने सोच विचार बदलते रहते हैं, जिससे कई काम अधूरे रह जाते हैं। आप कभी किसी चीज में रुचि लेते हैं तो कभी किसी को भी हद तक अपेक्षा करते हैं। आपके लिए क्षेत्र लेखक, रेडियो, टीवी निर्माता, एंकर, लेक्चर, भाषा शास्त्री, अध्यापक, ट्रेवल एजेंट के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। आपके लिए लाभ, आप में निवेश के असाधारण अवसर ढूंढने की प्रवृत्ति होती है। कारक। आप अपनी भावनाओं को मन में जब्त करके रखते हैं। दरअसल आपका जल जैसा संभाव आपको संवेदनशील बनाता है, लेकिन वास्तविक रूप से आप दूसरी राशि वालों से अधिक दूरदर्शी होते हैं। ध्यान दें, झगड़े की स्थिति में आप सामने वाले के एहसास और मदद को भूल जाते हैं। आपके लिए क्षेत्र डॉक्टर, भाषा, विशारद, अध्यापन, लेखन, चित्रकला, विज्ञापन, व्यापार, खासकर आयात निर्यात में भविष्य उज्ज्वल है। आपके लिए लाभ, संपत्ति के मामले में आप बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कामयाब होते हैं सी हैं। आप साहसी और उद्यमी, ईमानदार और बहुमुखी संभाव के होते हैं। आपकी सबसे मजबूत प्रवृत्ति राज करना और अधिकार चलाना है। कला और साहित्य के अधिक रुचि रखते हैं। ध्यान दें, आप में बहुत अहंकार और अभिमान होता है और आप आसानी से क्षुब्ध होते हैं। आपकी स्वतंत्रता भी लंबे समय तक नहीं चलती। आपके लिए क्षेत्र अभिनेता, वकील, प्रबंधक के रूप में कामयाब होंगे। आप कूटनीतिज्ञ और सृजनशील हैं। प्रतिष्ठित लोगों से जुड़े क्षेत्र एवं व्यवसाय में प्रभुत्व जमाएंगे। आपके लिए लाभ, आपके लिए आगे का रास्ता जितना कठिन होता है उससे पार करना उतना ही अधिक महत्व रखता है, इससे लाभ भी होता है। कन्या। आपकी सबसे बड़ी धरोहर तीक्ष्ण बुद्धिता और उत्कृष्ट समझ शक्ति है। आप में स्वयं को अनुशासित करने का काफी समर्थक है।
आपके विचारों में स्पष्टता होती है, छुपी छुपाई बातों में भी तनिक भी रुचि नहीं होती। आप दिखावा पसंद नहीं करते, ध्यान दें, आप शांत स्वभाव वाले और संतुलित होते हैं, लेकिन एक बार उत्तेजित होने पर आपको शांत करना कठिन होता है। आपके लिए क्षेत्र विज्ञान, दलाली, साहित्यकार, लेखन, अध्यापन, अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, परिश्रम से जुड़े किसी भी काम में आप सफल होंगे। लाभ, आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों और बुद्धि के बलबूते शून्य से ऊपर उभरेंगे। कठिन संघर्ष, काफी बाधाओं के बावजूद अपनी सूझबूझ के बल पर आप जीत जाएंगे। तुला राशि के लोग सहन संभाव वाले और दिलचस्प होते हैं। इसके लिए रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर आप जीवन में ऊंचा उठते हैं। धार्मिक मामलों में आप उदार होते हैं। ध्यान दें, आप जो चाहते हैं अंत में पाते हैं, और इसके लिए हर तरह की तिकड़म का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। आपको साझेदारी से दूर रहना चाहिए। आपके लिए क्षेत्र तर्कशास्त्री, परामर्शदाता के अलावा आप आदर्श कूटनीतिज्ञ, कानून, कला, संगीत, व्यापार, मैकेनिक्स, विज्ञान एवं संचार से जुड़े व्यवसायों में सफल होंगे। लाभ है आपके लिए, सौभाग्य से आपको पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। वित्तीय दृष्टि से भाग्य आप पर मेहरबान रहेगा। वृश्चिक, आप बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्ति के धनी हैं। आप विश्लेषक और धैर्यवान होते हैं। व्यापार के मामले में आप चालाक होते हैं। आपके पास साहित्यिक क्षमताएं और रचनात्मक प्रतिभाएं होती हैं। ध्यान दें, वृश्चिक का एक गुप्त पक्ष है। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करने से नहीं चूकते। आपके लिए क्षेत्र है डॉक्टर, संगीत, कला और वैज्ञानिक क्षेत्र में कामयाब होंगे। लाभ, वित्त बनाने में सहनशीलता तथा बचत का दृष्टिकोण अपनाने पर आप अत्यंत कामयाब होते हैं। धनु, आप साधारण तौर पर मेधावी और उदार होते हैं। आप सच्चे होते हैं और अपना वादा निभाते हैं। आप आसानी से दोस्त बनाते हैं और उससे जुड़ते हैं। ध्यान दें, इस बात का ख्याल रखें कि सूत्रों की शरारतों से आपका पद एवं संपन्नता खतरे में पड़ जाए। आपके लिए क्षेत्र दार्शनिक सन्यासी होने के साथ साथ आपके लिए अध्यापन, धर्म, कानून, राजनीति, प्रशासन, व्यापार, बैंकिंग का कार्य क्षेत्र कारगर रहेगा। लाभ, सफलता एक उम्र के बाद ही आएगी, पर सफलता आपको यकीनन मिलेगी क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु है, जो प्रतिष्ठा, संपन्नता एवं पद का परिचायक है। मकर, आप सोभान ईमानी, सतर्क और मेहनती होते हैं। आप कर्तव्यशील और कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं। काम के मामले में आप निष्ठावान और विवेकशील हैं। आपका व्यवहारिक स्वभाव कभी कभी ऐसा दर्शाता है जैसे आप में गर्मजोशी नहीं है, लेकिन वास्तव में आप प्रेमी और समर्पित होते हैं। ध्यान दें, झूठे संदेहों के कारण आप अनावश्यक रूप से मानसिक कष्ट उठाते हैं। आप निराशा और कुत्ता के मूड से गुजरते हैं। क्षेत्र आपके लिए मेहनत के किसी भी व्यवसाय में आप सफल होते हैं। जासूस, कृषि से संबंधित शिक्षा, जीवन शास्त्र, फैक्ट्रियां और संगठनों के क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। आपके लिए लाभ, साधारणतः आप खुद को बताते हैं आप अपने दम पर पैसा कमाते हैं। कुंभ, आप दयालु, मानवतावादी और सहनीय होते हैं। आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और आप मेहनती होने के साथ साथ एकाग्रचित्त होते हैं। ध्यान दें, आपके पास तांत्रिक मन और अपने पूर्वाशा और तर्क पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्षेत्र, आप अच्छे फिजिशियन, वैज्ञानिक और वकील बन सकते हैं। चित्रकारिता, लेखन, समुद्र से जुड़े क्षेत्र में सफल होंगे। लाभ, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में विश्वास नहीं करते, लेकिन आप पैसे बचाते हैं। मीन, आप दयालु, प्रेमी, सच्चे और सहानुभूति प्रवृत्ति के होते हैं। मीन राशि वाले खुद के लिए और दूसरों के लिए पहली होते हैं, जो स्थिर नहीं हो सकते, अधिकतर खुश मिजाज और सामाजिक होते हैं। ध्यान दें, अपने दोस्तों पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। काल लू संभाव और चंचल मिजाज टालते रहिए। दूसरों के आश्वासनों पर निर्भर मत रहिए। क्षेत्र मनोरंजन, व्यवसाय, बैंक, वाणिज्य, संगीत, कला, अभिनेता, स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों में सफल होंगे। लाभ, आप में वे खूबियां होती हैं जो आपको संपन्नता
शक्ति और सत्ता दिलाती है।